1650 करोड़ में बनी टॉम क्रूज साहब की मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकनिंग उर्फ MI7 कल थिएटर्स में इतनी सारी एक्साइटमेंट को कवर करने के बाद फाइनली रिलीज हो गई है। एंड गेस व्हाट, अपने रिलीज के पहले ही दिन टॉम क्रूज को उनके फैंस ने वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टार का दर्जा दे दिया है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, 61 इयर्स की एज में जहां पर स्टार्स 20% एक्टिंग करने के बाद ये सोचते हैं कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए, या ये भी छोड़ो आजकल के 25-30 साल के यंग एक्टर्स जिनसे सिंपल सिंपल डांस स्टेप्स नहीं हो पाते, वहीं पर टॉम क्रूज जो हजारों फीट की ऊंची पहाड़ियों से कूद करके अपने स्टंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे हमें एक मैसेज मिलता है कि देखो भाई, अपने काम के प्रति एक सेल्फ बिलीफ और पैशन होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट शोज कि देखो, एवरीबॉडी इज अ किंग अनटिल एंड अनलेस द रियल ओजी अराइव्स। और अब अपने ओजी लौट रहे हैं इतनी पुरानी फ्रेंचाइजी के साथ, जिसमें लड़ाई है एक्चुअली एक चाबी की जो दो हिस्सों में बट चुकी है, जिसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन कमाल की बात तो आप देखिए कि किसी को पता ही नहीं है कि आखिर उस चाबी से खुलता क्या है। लेकिन हाँ, उन्हें इतना आइडिया तो है कि अगर ये चाबी गलती से भी किसी गलत हाथों में पहुंच गई तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। और इसीलिए IMF यानी कि इम्पॉसिबल मिशन फोर्स के सबसे जाबाज और बागी सिपाही ईथन और टॉम क्रूज के हाथ में ये बागडोर थमा दी गई है कि जाइए भैया, दोनों हिस्से ढूंढ के लाइए चाबी के और एक सेफ हाथों में दे दीजिए। अब स्टोरी सुनने के बाद आपको इसका बेस एकदम सिंपल लग रहा होगा कि एक हीरो है जो अपने आसपास के लोगों को बचाएगा, लेकिन ये उतनी ही सिंपल और रफ हो जाएगी अगर इसमें वो चार हीरोइंस ना हो जिनको इक्वली प्रायोरिटाइज किया गया है इस मिशन के अंदर। और यही खासियत है हॉलीवुड फिल्म्स की कि वो किसी मेल सेंट्रिक या फीमेल सेंट्रिक जैसे टर्म्स में बिलीव नहीं करते हैं, बिलीव करते हैं तो केवल एक टर्म में, वो है टैलेंट। और ये बात उन्हें अच्छे से पता भी है कि हार्ले एटविल, रेबेका फ्यूर्गेसन, वेनेसा किर्बी और पॉम क्लेमेंटिफ कितनी कमाल की अदाकाराएं हैं कि जब ये अपनी एक्टिंग और एक्शन सीक्वेंसेस का जलवा बिखेरेंगी फिल्म के अंदर, तो यही चीज इसके सब्जेक्ट को कंपैरेटिवली थोड़ा और यूनिक बना देगी कि इसका जो मेन फोकस है वो केवल हीरो के इर्द गिर्द नहीं घूमता है ना, यहाँ पर चार लेडी बॉस भी हैं जिनका एक्शन सीक्वेंस और स्टंट देखना तो अभी बाकी है। वैसे स्टंट से याद आया कि वो ट्रेन वाला एक्शन सीक्वेंस देखने के बाद काफी लोगों को पठान की याद आ रही होगी, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जितनी डेप्थ और क्लैरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम वहां से चेतते हैं भाई। और भूलो मत कि ये टॉम क्रूज की पिक्चर है, उनके एक्शन सीक्वेंसेस और एक्टिंग को किसी से भी कंपेयर करना अपने आप में ही एक पाप है, क्योंकि VFX और CGI तो उनकी पिक्चर में बिल्कुल नाम मात्र आपको मिलेगा। टॉम क्रूज ने बिल्कुल ऐसे सोचा होगा कि भाई कौन सा CGI, I am the CGI means क्रूज गोइंग इनसेन। और इसीलिए केवल एक्शन सीक्वेंसेस ही नहीं, इसकी स्टोरी को भी आपको 100% अटेंशन के साथ देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सेगमेंट चल रहा है। और बिल्कुल भी चिंता मत करो, MI7 को देखने के लिए इसके पहले पार्ट देखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो जाओ थिएटर, मजा आएगी। 2 घंटे और 45 मिनट कहाँ निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए टॉम क्रूज की फिल्म को मिलते हैं सारे के सारे हार्ट्स। और हाँ, OMG 2 के टीजर और जवान के प्रीव्यू का भी एक रिव्यू किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर कर लेना, शायद आपको मजा आएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज प्लीज एक लाइक कर देना। तब तक हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।